दोस्तों आज हम आ गए हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी कि दिल्ली के चिड़ियाघर में। तो आज का हमारा ब्लॉग यहाँ का होने वाला है। तो हमारे साथ हैं ये मेरे जिया जी, पीछे है मेरा एक दोस्त राहुल, और ये चीकू हमारा भांजा। तो आज हम सब चिड़ियाघर घूमने आए हैं। तो मैं आज आपको जो भी चिड़ियाघर में चीज़ें देंगी, जो भी जानवर होंगे, वो आपको दिखाने वाला हूँ। सो हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये सामने से होगी एंट्री स्टार्ट, जहाँ से ये गाड़ियाँ जा रही हैं, वो लिख रहा सामने पार्किंग राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो हम यहाँ से अंदर जाएंगे। ये सिक्योरिटी वाले भैया खड़े हैं गाड़ियों को बुला रहे हैं। वो खड़ा है राहुल मेरा दोस्त, वो जिया जी और चीकू। अब हम सीधे जाएंगे, हमने अपनी गाड़ी पहले यहाँ पार्किंग में लगा दी है, और उसके बाद हमें जाना है उस साइड में। यहाँ पे हमने पार्किंग की पर्ची ली थी, पे किए 30 रुपये पार्किंग के, और फिर इसके बाद अपनी बाइक पार्क की। ये देखो भाई कितनी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये देखो लॉक रूम, अमानती सामान घर। तो भाइयों अभी जस्ट पता चला है कि हमें टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। हम वहाँ पर गए जहाँ पर लिखा हुआ था एंट्री, लेकिन वहाँ पर जाकर पता चला कि हमें जो टिकट है वो ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, हमें ऑफलाइन नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए यहाँ ऑनलाइन टिकट बुक होंगे, और पता नहीं क्या है वो सामने जो भी प्रोसेस है ऑनलाइन टिकट बुक करने का, हमारे राहुल भाई कर रहे हैं। चीकू आज हम चिड़ियाघर आए हैं, तू कितना खुश है? कितना खुश है बता, कितना खुश है? ऐसे मुंह खोल के बताएगा इतना खुश हो? बहुत ज़्यादा खुश है। 101, वाह 101 का क्या हिसाब किताब है भाई। तो फाइनली हमारे टिकट बुक हो गए हैं। तो भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी, जो कि आप nzpnewdelhi.gov.in से जाके कर सकते हैं। और हाँ एक बात और, अगर मान लो आप इनके से अगर नहीं कर पा रहे ऑनलाइन टिकट बुक, तो यहाँ पर उनसे घूमते रहते हैं, जो कि आपसे 20 रुपये पर टिकट एक्स्ट्रा लेंगे, और वो आपके लिए टिकट बुक कर देंगे। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है स्टार्ट। ये देखो लाइन लगी बढ़िया, चीकू पकड़ना। हाँ भाई हेलो। ये एंट्री कुछ इस तरह की है, ये भाई यहाँ पे चेक कर रहे हैं टिकट्स, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो जी एंट्री से निकलने के बाद में नज़ारा कुछ ऐसा है। हाय गाइस, ये देखिए चारों तरफ। हेलो गाइस। तो भाई एंट्री लेते वक्त एक बात पता चली कि हमारे हाथ में हेलमेट थे, क्योंकि हमने अपने हेलमेट अपने बाइक में नहीं लगाए थे, क्योंकि वहाँ पर वो सेफ नहीं थे रखना। तो यहाँ पर आगे पता चला कि हेलमेट हम अंदर नहीं ला सकते हैं। तो अब जो है जो मेरा दोस्त है राहुल, वो हेलमेट रखने गया है, उसके बाद वापस आएगा, तब जाके हम आगे जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप हेलमेट लेकर आ रहे हैं तो आपको हेलमेट कहीं रखना पड़ेगा, अपनी बाइक के साथ में या अपनी गाड़ी में। तो हमारे राहुल भाई आ गए हैं हेलमेट रख के। कहाँ रखे हेलमेट? 5 रुपये एक सामान को लगेगा भाई। अच्छा, 3 हेलमेट के 15। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। सुना आपने, हमारे राहुल भाई बता रहे हैं कि 5 रुपये एक हेलमेट के लगेंगे रखने के, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। वो देख लो जू, देखने की एक्साइटमेंट इन्हें बहुत ज़्यादा है, इन्हें रोका है नहीं तो आगे आगे बढ़े जा रहे थे। ये देखो उधर चल रहा है एक फाउंटेन, बढ़िया सा रिक्शा टाइप में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। देखो स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, बिल्कुल लाइन के साथ में जा रहे हैं लगकर। तो भाई सबसे पहले स्टार्टिंग में पड़ा है एक घर, अब मैं आपको बताऊँ ये घर किसका है, दिखाता हूँ आपको। ये घर है उस बत्तख का। मुझे लगा भाई पहले किसका घर है, लेकिन फाइनली यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ बत्तख किसका तैर रही है पानी में काली। ये देखो एक दिखा मोर, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा। और पीछे कुछ नील गाय टाइप में खड़ी है, आ जाओ। ये है भाई, आई थिंक नील गाय। ये देखो बिल्कुल शांत बैठी है। अभी स्टार्टिंग में हमने एक मोर और कुछ नील गाय देखी है, जो मैंने आपको अभी दिखाई है पीछे। अब देखते हैं आगे जाकर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये देखो सामने बर्ड बैठे हुए हैं, ये कौन सी बर्ड है? आई थिंक सारस है। सारस तो नहीं है ना ये? सारस ना है। हाँ ये देखो, ये बड़ी चोंच वाले बगला। चीकू को दिखाओ, कितने बहुत सारे बैठे हैं। ये देखो है कितने, ये देखो वहाँ बैठे हुए हैं, आपको जूम करके दिखाए तो। ये देखियो, भाई ये वाली गाड़ी है, अगर आप घूमना चाहते हैं चिड़ियाघर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो 30 रुपये पर बंदा पर पर्सन टिकट है इसका, जो कि आपको पूरे चिड़ियाघर में घुमाएगी। ये सामने भीड़ लगी हुई है, देखते हैं किस चीज़ को देखने के लिए। यहाँ पे क्या है,
भाई ये है यहाँ पर ये काला बंदर, पता नहीं कहाँ का है। अरे वाह बंदर। इसमें एक पीछे और पता है इसमें शक्ल भाई वो है सामने हेमेड्रस बैबून, जो कि एक बंदर है जो कि मिस्र से, प्राचीन मिस्र का, और प्राचीन मिस्र के लोग जो होते थे वो इसे बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे। और इसके बारे में एक खास बात ये भी है कि ये एक समय में 10 मादाओं पर अपना प्रभुत्व जमा के रखता है, ये इसकी खास बात है। ये है हेमेड्रस बबून। तो भाइयों अभी तक तो हमने कुछ बंदर और कुछ नीलगाय देखी है, आगे देखते हैं क्या मिलने वाला है। ये जानवरों के लिए जो बाड़े बना रखे हैं काफ़ी बड़े बड़े बना रखे हैं, चाहे वो बेशक बंदरों के लिए, वो देखा ना था बंदरों के लिए कितना बड़ा बाड़ा बना कर रखा था, है ना राहुल भाई। तो भाई ये है सांभर हिरण, वो सांभर इडली डोसा सांभर वाला सांभर नहीं, सांभर हिरण एक प्रजाति है, ठीक है, एक हिरण की प्रजाति है। ये देखो इनके सींग नहीं है, मैंने जितने भी यहाँ सांभर हिरण देखे उनके कोई सींग नहीं है, मैं आपको जूम करके और दिखाया। भाई देखो हमारे चीकू को हाथ चढ़ के देख रहा है। यहाँ इस बाड़ में भी कुछ हिरण है, ये हमारे राहुल भाई, ये देखो ये देखो हिरण है। तो भाइयों यहाँ पर है ब्लैक बक कृष्ण मृग, मतलब ये देखिए आप, मुझे तो ये चिंगारा टाइप में लग रहे हैं। अभी तक तो सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर हिरण देखे हैं, पता नहीं भाई हिरण ही भर रखे हैं सारे चिड़ियाघर में, पूरे चिड़ियाघर में हिरण हिरण दिखाई दे रहे हैं। अभी जो हमें चीज़ देखी है टाइगर हो या लायन हो वो हमें अभी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया, तो देखते हैं कि आगे हमें वो मिलने वाला है या नहीं मिलना, देखते हैं। तो भाई अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ गौर गाय। ये गौर गाय दुनिया की सबसे बड़ी गाय मानी जाती है और एक विलुप्त प्रजाति है, मतलब कि गायब होने वाली है, कुछ ही बची हुई है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये। और उसकी जो विशेषताएं वो ये हैं कि इनके सूंघने की और सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ भाई। ये देखिए है सामने गौर गाय, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है गौर गाय, ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय मानी जाती है। भाई एक नई चीज़ देखने को मिली जिसका नाम है ताड़ बिलाव। एक्चुअली बिलाव का नाम तो मैंने बहुत टाइम से सुनता रहा हूँ, बहुत छोटे से सुनता रहा हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं। चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये ताड़ बिलाव है यहाँ सामने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पेड़ दिखाऊं, ये है ताड़ बिलाव, ये साइड चला गया, उधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये ताड़ बिलाव भाई, ओ भाई ये चलेगा ऊपर। भाई यहाँ पर है ये गीदड़ है, लोमड़ी है, आई थिंक गीदड़ लग रहा है मुझे, वो देख कर पता चलेगा बोर्ड पर कि है क्या चीज़ें। ये देखिए घूम रहा है, ये देखिए भाई साहब चक्कर लगा रहा है। हाँ इसका मैंने बोर्ड पढ़ लिया, एक्चुअली ये लोमड़ी नहीं गीदड़ है, ये देखो जैकाल, जैसे इंग्लिश में जैकाल भी बोलते हैं। भाई ये है ब्रो एंटलर्ड हिरण, ब्रो एंटलर्ड डियर इंग्लिश में, और भ्रशरंगी हिरण हिंदी में, भाई पता नहीं नाम बड़ा कठिन सा है। तो भाइयों फाइनली एक बड़ी चीज़ देखने को मिलने वाली है जो है रेनोसेरस, गेंडा देखने वाले हैं फाइनली राहुल। फाइनली गेंडा देखेंगे भाई, गेंडे को देखने के लिए कितनी भीड़ लगी पड़ी है, देखो ये पहली बड़ी चीज़ होगी जो हम देखने वाले हैं, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। ये देखो भाई पूरा गेंडा जो सामने बैठा है, तो वाइट कलर में है। ये देखो भाई फाइनली बहुत टाइम बाद एक बड़ी चीज देखने को मिली है, भाई वो देखो पीछे लेटा हुआ गेंडा बड़ा सा काफी। ये देखो भाई साहब, ये देखिए इसके चारों तरफ पक्षी घूम रहे हैं भाई। ओ खतरनाक है। ये देखिए भाई एक और है जो कि पानी में खड़ा हुआ है, और एक भाई साहब ये लेटे हुए पेड़ के पीछे आ गए, ये रहे। और ये देखिए भाई, मतलब हिप्पो की तरह लग रहा है लेकिन हिप्पो नहीं है, ये राइनो ही है। तो भाई फाइनली हमारे राहुल भाई ने पूछा यहाँ के जो एक गार्ड है उनसे कि भैया टाइगर कहाँ है, लायन कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि आप पहले इधर से ले जाओ साइड में जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पर आपको रीच भालू देखने को मिलेंगे, उसके बाद आप वापस आना, उसके बाद आपको टाइगर लायन और उसके बच्चे भी बताएं, उसके बच्चे और जंग और कुछ इंडियन हाथी भी देखने को मिलेंगे और भी छोटे छोटे जानवर देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात भाई बहुत अच्छी पूछी, थैंक यू राहुल भाई।
फाइनली हम किसी डायरेक्शन में जाएंगे भाई। वो देखो वहाँ है काला भालू, हिमालयन काला भालू, वो इधर पीट करके बैठा हुआ है। पता नहीं भाई किसी बात से नाराज है, शायद खाना वाना नहीं मिला होगा दिख रहा होगा आपको चीकू कहाँ पर है भालू? चीकू बुला, भालू को बुला, आज इधर आजा आजा ये देखो भाई दो भालू अंदर भी हैं, पता नहीं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, मुझे वीडियो पे तो दिख नहीं पा रहे, वो घूम रहे हैं। और जूम कर देता हूँ शायद मुझे बाद में दिखे। ये देखिए भाई यहाँ पर है बहुत बड़ा तालाब और उसमें तैर रहा है हंस सामने, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए और इधर एक पार्क बना रखा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोग यहाँ पर आकर के बैठ रहे हैं घूम रहे हैं।